Hey guys, welcome back to my channel. आज है 4th of May, Tuesday का दिन है. अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 and I don't know, मैंने आज की वीडियो इतनी देर से क्यों शुरू की. अब चलो शुरू कर ही दिया तो इसको कंटिन्यू आगे करते हैं. वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज सार्थक सिंह. लेट्स व्लॉग इट अप. आई नो गाइज, ये वॉशिंग मशीन लगा के दिखाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही तो मेन प्रॉब्लम यार मेरे साथ. अभी वैकेशन चालू हो चुकी है, मतलब तो पहले से चालू थी, छुट्टियाँ चालू हैं, कोई काम ऐसे करने को बचा नहीं रहेगा. बाहर जा नहीं सकते, कहीं घूमने, घर का काम करना पड़ रहा है. अब यही सब रह गया खाली दिखाने का. मैं बता रहा हूँ, पहले हम लोग जब और मैं छोटा छोटा था तब मैं सोचता था कि वैकेशन जो है वो एकदम साल भर की होनी चाहिए, स्कूल होनी नहीं चाहिए, ऐसा वैसा सब. फिर जब असली में कोविड ने हम लोग को ये सब सिचुएशन दिखा दी कि भाई लो, जितनी चाहिए उतनी वैकेशन ले लो, साल भर की, साल से ज़्यादा भर की ले लो, अब लगता है सही में अब बहुत बोर होना है, बोर हो रहा है अब तो सही में बाहर जाना चाहिए यार. एंड मैं तो सही में यार बहुत बोर हो चुका हूँ. कितने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोग कहीं गए नहीं हैं, मतलब 1.5 नहीं, लेकिन होने वाला है जल्दी, वो भी हो ही जाएगा क्योंकि तब तक के लिए लॉकडाउन लग गया है. अभी 15 डेज का और एक्स्ट्रा महाराष्ट्र में लॉकडाउन कर दिया गया है, तो और भी बाहर नहीं जा सकते. एंड जो दुकानें वकानें वो सब भी ओनली सुबह के टाइम 7 से 11 ही खुली रहती है, तो सारा काम भी उसी में करना पड़ता है. एंड उसी बीच में ऐसे मैं ब्लॉग बनाना भूल जाता हूँ, और उसी चक्कर में मुझे अब ऐसे देर देर में दोपहर शाम रात को 12 बजे ब्लॉग शुरू करना पड़ता है. एंड चलो यार, इसी बहाने कम से कम हम लोग कुछ घर के काम भी सीख जा रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है. मम्मी को काफ़ी मदद मिल जाती है खाना बनाने में या फिर घर का जो भी काम करने में. आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग अपने वैकेशन चल ही रहे होंगे, सभी के चल रहे हैं इस समय तो. 12th वालों के पास बची पड़ी है क्योंकि उनके तो एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन उनके भी कुछ दिमाग में उनका एक डायलेमा में होंगे वो भी. तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे जल्दी से बताओ कि आप लोग वैकेशन में क्या कर रहे हैं या फिर क्या कर चुके हैं और क्या करने का प्लान है. जो अच्छे कमेंट्स रहेंगे मैं उनको लाइक दूंगा, हार्ट दूंगा और उनको टॉप पर पिन करूँगा. तो गाइज, अगर मैं अभी के अपने वैकेशन का आपको शेड्यूल बताऊं तो मैं सुबह 7 बजे आराम से सो के उठता हूं, एंड उसके बाद आधे घंटे की एक्सरसाइज होती है क्योंकि इस समय में फिटनेस रखना भी ज़रूरी है, इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग करनी बनती है. एंड उसके बाद जो पूरा दिन निकलता है थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाती है. अब आप लोग पूछ रहे होंगे पढ़ाई क्यों होती है, भाई ऐसा कौन सा काम आ गया जो पढ़ाई करनी पड़ रही है. मुझे अपने 11th के एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं अलग अलग स्कूल में, उसके लिए भाई पढ़ाई करनी पड़ती है. तो वही सब वो भी हो जाता है, 1-1.5 घंटे वो पढ़ाई होती है, और फिर उसका बाकी का दिन अपना इस मैकबुक पे यूट्यूब वीडियो देखते हुए बताता हूँ. तो लेकिन इसमें वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आ जाता है. ऑफकोर्स आप फोन या फिर लैपटॉप पर भी फुल HD तक ही वीडियो देख पाते हैं, लेकिन इसमें आप और ऊपर करके स्केल अप कर सकते हैं 2K 4K तक देख सकते हैं. एंड उसके बाद मैं फोन में कॉल ऑफ ड्यूटी और 2-4 और गेम्स खेल लेता हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें भी आराम से घंटों निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है. एंड उसके बाद फाइनली मैं क्रोमबुक पे अपना ये अपने दीदी के साथ या फिर मम्मी के साथ गेम खेल लेता हूँ. 2-player गेम्स नाम है इसका, आप लोग ने अगर नहीं खेले तो ज़रूर खेलना है, ट्राई करना, काफ़ी मज़ेदार गेम्स है. इसमें बहुत सारे वैराइटीज ऑफ गेम्स हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं बता रहा हूँ. इस पर मतलब कोई मुझे ऐसा स्पॉन्सर जो वैसा नहीं हुआ है. इसमें आप अकेले भी खेल सकते हो कंप्यूटर के सामने, नहीं तो आप वर्सेस करके अपने किसी भाई बहन के सामने खेल सकते हो, पूरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है. तो यही सब यार, इन्हीं सब गैजेट्स में मेरा पूरा दिन निकल रहा है. आई नो ये बेस्ट तो नहीं है और इससे ज़्यादा भी और कर सकते हैं. वैसे हाँ, कभी कभी मैं ड्राइंग भी कर लेता हूँ अपने, ड्राइंग की एक दिन मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा. वैसे अभी दिखाने लगती है क्योंकि अभी अचीव करनी बाकी है. एंड थोड़ा बहुत म्यूजिक चला लिया, पियानो पे वो सब बजा लिया, वो सब ऐसे सब एक्टिविटीज़ आप लोग को भी करनी चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स इन गैजेट्स के बीच में जब तक आप लोग रहेंगे तो जितना कम रहोगे उतना ही अच्छा है, बाकी चीज़ें भी करनी बनती है एंड उससे आप लोग की स्किल भी खुद डेवलप हो जाती है. तो यही सब है यार मेरी वैकेशन का. कोई बोलेगा कि यार बोरिंग है, कोई बोलेगा अच्छा है, आप लोग के पर्सनल प्रेफरेंस पे कि आपको ये शेड्यूल कैसा लगता है. आप लोग मुझे अपना कुछ नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या हो, किस चीज़ों में अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो ऐसे वैकेशन में, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ मोटिवेशन लेके कुछ अपने आप को चेंज कर पाऊँ. एंड इसी टैलेंट और स्किल को डेवलप करने के मोटिवेशन को साथ में लेके आज शाम को मैं कुकिंग करने का सोच रहा हूँ. अब क्या बनाने वाला हूँ वो आप लोग को तो बाद में पता चलेगा. तो 3:30 हो रहा है ऑलमोस्ट, 5:30 को स्टार्ट करूँगा अपना प्रिपरेशन. उसके बाद क्या बनता है एंड में वो तो आप लोग को बाद में पता चलेगा. वैसे आजकल पता नहीं क्यों जो क्लाइमेट है वो भी आजकल बहुत बदल रहा है. अभी आप लोग देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है और डार्क क्लाउड्स है थोड़े. एंड कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, उसके एक दिन पहले काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी. मतलब अभी जस्ट मई का महीना चल रहा है, पिछले मतलब जस्ट अप्रैल था कुछ दिन पहले, एंड अप्रैल मई से बरसात शुरू जानी शुरू होती है. फिर अभी आज भी लग रहा है बारिश होगी, थोड़ा एक आध बिजली कड़ गई थी लेकिन फिर अब काफ़ी देर से नहीं है. एनीवेज अभी ऑलमोस्ट 5:12 हो रहा है, 5:15 हो रहा है और अब मेरे अपने कलिनरी स्किल्स दिखाने का समय आ चुका है. तो चलो चलता हूँ कुछ बनाने, कुछ अच्छा अच्छा और जब बन जाता है तब आप लोग को दिखाता हूँ.
सो गाइस फाइनली हम लोग का यहाँ पे टाको बन रहा है, बना शुरू हो चुका है। वैसे दो तीन बन भी चुके हैं, खाया बहुत टेस्टी लग रहा है। एंड वहाँ पे सारा प्रिपरेशन वाला काम चल रहा है एंड काफी टेस्टी लग रहा है। इसमें मैंने चीज भी सब डाल दिया भाई, जितने सब माल मसाला बनाया था सब डाल दिया। इसमें आलू की स्टफिंग है मेनली, प्लस उसमें चीज है, ओनियन है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको रेसिपी बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरी टॉप सीक्रेट है। तो मैं इन्जॉय करता हूँ और आप लोग भी इसको इन्जॉय करो। सो गाइस फाइनली इट्स 9:30 इन द नाइट एंड यार खाना पीना खा के बहुत मजा आ गया। जो मतलब इससे जो मैंने बनाया था उससे मतलब मेरे को इतना तो पता चलेगा कि हाँ यार मतलब कुकिंग तो कर सकते, इतना बुरा भी नहीं बनाता हूँ मैं। तो इसलिए आपसे आपको लोग को रेगुलरली मैं थोड़ी कुकिंग के स्किल्स भी, आप कलिनरी स्किल्स भी थोड़े दिखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं सही बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया आपको अपने प्रोसेस का, क्योंकि खाना मतलब जो बनाना होता है उसमें मतलब काफ़ी प्रोसेसिंग लगती है उसमें, एंड उसके बीच में मतलब वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन जितना हो सके मैंने उतना ट्राई किया आप लोग को दिखाने का। जैसे लास्ट में जब बन रहा था तो मैंने फटाक से फ़ोन उठाया और बना दिया, मेरे हाथ थोड़े बहुत गंदे थे लेकिन ठीक है चलता है वो सब। तो आप वैसे तो मैंने सही बता रहा हूँ, मैं नेट से देख के रेसिपी की है और मोस्टली लोग यही करते हैं। आप लोग भी जाके देख सकते हैं अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो, एंड जरूर ट्राई करना है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, एकदम चटपटा था, उसमें जिंग था, खट्टा था, तीखा था, मतलब सब एक बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा था, एकदम से होटल वाला लग रहा था। तो यही है यार अभी के लिए वीडियो में इतना ही, अभी वीडियो एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे कुकिंग स्किल्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। एंड हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स को ऑलमोस्ट पास हैं, जल्दी कर दो यार, सब्सक्राइब करना है, रेड बटन को दबा देना है, ठोक के तोड़ देना है स्क्रीन को। एंड ऐसे ही हम लोग मिलेंगे अगले किसी धमाकेदार वीडियो में। आप लोग को आई होप अच्छी लगी ही होगी, अपना ज़रूर कमेंट सेक्शन में हेट लाइक डिसलाइक सब दिखा दीजिएगा बढ़िया से। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बूम।